अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर जताया राज्य सरकार की नीतियों पर आक्रोश। दुर्ग में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज कर दिया है। इस हड़ताल से जिला अस्पताल में चिकित्सकीय सेवाएं व्यापक तौर से प्रभावित हो रही है, जिससे मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को दूसरे दिन भी सभी स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद कर धरना प्रदर्शन में नजर आए। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। सिर्फ इस हड़ताल से इमरजेंसी सेवा, मैटरनिटी सेवा व ऑक्सीजन विभाग को अलग रख मांगे पूर्ण नहीं होने से नाराज हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी जिला अस्पताल के बाहर एकजुट होकर धरना देकर राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर आक्रोश जता रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रदर्शनकारियों ने अपनी पीड़ा बताई। इस प्रदेश में बहुत सारे ऐसे अनियमित कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह के नाम में कुछ ही रकम दिए जा रहे हैं, जो कि उसके जीवन निर्वहन के लिए भी उपयोगिता नहीं है। एक रोजी रोटी करने वाला व्यक्ति भी हमसे ज़्यादा कमा रहा है और अपना जीवन में अच्छा सुख है। हम मानव सेवा के लिए लगे हुए 24 घंटे, हर एक कॉल पे हम रात 12 बजे तक रिपोर्टिंग मांगते हैं, हम देते हैं, हर सेवाएं हम उनको प्रदान कर रहे हैं, गांव-गांव में सेवाएं दे रहे हैं। JDS के कर्मचारी 4,000-3,000 में तनख्वाह में पूरे अस्पताल में 14 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। हमारे CHO जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 12 प्रकार की सेवाएँ, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक की सभी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। जहाँ पर एक डॉक्टर भी नहीं जा सकता वहाँ पर अपना सेवाएँ देने से मना करते हैं ऐसे जगह में बैठ के, कि कई ऐसे हमारे CHO साथियों के साथ ऐसा हुआ भी है कि कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानसिक पीड़ित हो गए, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी इस पीड़िता से छोड़कर। और हमारे सरकार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी आयुष्मान भारत योजना और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो उन्होंने जो आम नागरिकों को 5 लाख की आयुष्मान कार्ड की सेवाएं दी और साथ में एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे हमें वहां पे बिठाया गया ताकि हम उनकी सेवा करें और गांव-गांव तक हर एक व्यक्ति तक सेवा पहुंचाया जा सके। तो शासन ने यह तय किया कि 25,000 की तनख्वाह होगी और 15,000 उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो हमारे राज्य, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा है जहाँ पर सिर्फ 16,500 रुपये दिया जा रहा है और बाकी शेष राशि ना दिया जा रहा है। यह हमने कई बार गुहार भी लगाया छत्तीसगढ़ सरकार से कि यह हमारी सुविधाएं हमें प्रदाय किया जाए ताकि हम अपने सेवाओं को निरंतर अच्छे रूप से सुचारू रूप से कर सके, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी, इसलिए आज हमें इस रोड में आना पड़ रहा है। हमारे मरीजों को तकलीफ में देख के हमें भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन जिस तरह हमें तकलीफ हो रहा है, हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारे तकलीफ को देख के कुछ सोचे हमारे में। जैसे हम परिवार अपने ग्रामीण वासियों की, हर नागरिकों की, हर मरीजों के लिए देखभाल करते हैं, उस तरह कम से कम सरकार हमें उस योग्य बनाए कि हम अपने जीवन परिवार में अच्छे से रह सके। अभी नया नहीं है, बार बार हम लोग सरकार से अपील किए हैं, हमारे प्रतिनिधिगण उनसे चर्चा किए हैं कि हमारी जो मांगे हैं कोई जायज है, सारे मांगे 24 सूत्री मांग जो रखा गया है, वेतन विसंगति है आपका, 13 महीना वेतन है, नियमितीकरण है, जो जीवनदीप में कर्मचारी है उनके रेगुलर किया जाए, 10 साल 15 साल तक उन लोग काम करें, उसके बाद अगर उनको बोलेंगे कि काम से निकाल दिया जाएगा तो उनके रोजी रोटी कौन देखेगा, उनका परिवार को कौन देखेंगे, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बातों को ध्यान से, गंभीरता से और संवेदनशील ये बात को सुने, समझे और हमारे बातों को माने। अगर ये बात नहीं होता है, नहीं बात को, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम बैठेंगे। नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप बोलेंगे कि अगर डॉक्टर उनका ब्रेन है तो नर्सिंग प्रोफेशन दिल है। आप ब्रेन को तो अगर काम नहीं कर रहे तो 2-4 दिन तो उसका आप रख सकते हैं, लेकिन दिल बंद हो गया तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा है कि उनको पहले उनको देखना चाहिए, सभी का डर, हेल्थ विभाग रीढ़ की हड्डी है देश के लिए, समाज के लिए, तो उनको संवेदनशील पूर्वक ये बात को समझना चाहिए और बात को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिवस है। इस हड़ताल के पूर्व माननीय सचिव स्वास्थ्य और सचिव उनके साथ, मतलब डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के साथ चर्चा हो चुकी थी मेडिकल कॉलेज के, लेकिन नतीजा नहीं निकला था। इस विषय में हम लोगों को ज्ञापन देने के बाद, ध्यान आकर्षित कराने के बाद, एक दिवसीय हड़ताल में बैठने के बाद, 3 दिन निश्चितकालीन आंदोलन में बैठने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला, तो मजबूर हो के हम लोग आज आंदोलन में, अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे। मांग ये है, सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जो केडर है उनमें जो वेतन विसंगति है
उसको सरकार ने दूर नहीं किया, भाजपा के 15 साल और इस सरकार के 4.5 साल, तो इसमें किसी भी प्रकार की वेतन विसंगति दूर नहीं है और सरकार ने स्वीकार किया है कि वेतन विसंगति व्याप्त है और 13 महीने की वेतन हम मांग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की थी कि कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अथक मेहनत करके लोगों को जनमानस को सेवा दी है, तो हम बोल रहे हैं कि अभी प्रदेश में 5 दिवसीय कार्य प्रणाली, दूसरे विभाग के लोग शनिवार और रविवार अवकाश मनाते, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी 24 घंटे 7 दिवस काम करता है पुलिस विभाग के जैसे, तो पुलिस विभाग को इस प्रदेश में 13 माह का वेतन मिलता है, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी 13 माह का वेतन मिलना चाहिए। जब बजट बनाने वाले कर्मचारियों को, जो वार्षिक बजट बनाते हैं माननीय मुख्यमंत्री का वित्त विभाग का, उनको एक विभाग को 13 महीने की तनख्वाह मिल सकती है, तो हमारे को क्यों नहीं मिल सकती। आम जनता खुद जाके सरकार को बोले कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और रही बात व्यवस्था की, तो शासन प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं और हमने इमरजेंसी के लिए अपना कैजुअल्टी वार्ड छोड़ा हुआ है, मेटर्निटी वार्ड छोड़ा हुआ है, ऑक्सीजन में जो काम कर रहे हैं वो लेबर लोग को छोड़े हैं हम लोग, ताकि यहाँ का कार्य प्रभावित ना हो और जो इमरजेंसी और एकदम ज़्यादा सीरियस पेशेंट आए उनका इलाज किया जा सके। अपनी जायज मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, देखना होगा इनकी मांगों का असर कब और कैसा और कितना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।